हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये है हमारा पल्सर 180 UG4 और इसमें कार्ब्यूरेटर लीक कर रहा है, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल निकल रहा है बहुत धीरे से, और उसकी वजह से माइलेज भी कम हो गया है गाड़ी का। ऑलरेडी मैंने कार्ब्यूरेटर सर्विस भी किया था और फिर से सेट भी किया था, लेकिन बहुत कुछ जगह देखने के बाद मुझे ये वाले स्क्रू पे डाउट है। एयर फ्यूल मिक्सर रेशियो स्क्रू होता है ये वाला, और इसको निकाल के देखेंगे, शायद इसमें इसकी ओरिंग ख़राब हो गई होगी। इसके अंदर एक ओरिंग आती है, देखिए यहाँ सभी जगह पे थोड़ा थोड़ा पेट्रोल है, और पेट्रोल लीक होना और ओवरफ्लो होना दो अलग चीज़ है। अगर आपके फ्लोट पिन अच्छे से काम नहीं करती हो तो ये वाली पाइप में से पेट्रोल निकलता है, और इसको लीक नहीं बोलते, इसको ओवरफ्लो बोलते हैं। लेकिन यहाँ से निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि पेट्रोल लीक हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला स्क्रू ओपन करके देखते हैं। ये है इसका एयर फ्यूल मिक्सर रेशियो एडजस्ट स्क्रू, और यहाँ पे ये जो कट दिख रही है, ये छोटा सा ग्रू है, यहाँ पे एक ओरिंग होती है जो ये इसमें पहले से ही नहीं है। और ऑलरेडी ये गाड़ी मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी 6 महीने पहले, तो ये सब कुछ मैंने नहीं खोला था, और बहुत टाइम से पेट्रोल लीकेज हो रहा था। देखिए यहाँ पे भी निशान है लीकेज पेट्रोल के, और इसके प्रीवियस ओनर ने थोड़ी सी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा थोड़ा बहुत, अगर ये छोटी सी चीज़ करवा लेता तो माइलेज भी बढ़ जाता। अभी इसका माइलेज भी बहुत कम है। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे लगाने के लिए ओरिंग नहीं है, लेकिन पुरानी ट्यूब है बाइक की जिसमें से हम ओरिंग का जुगाड़ बनाएंगे और इसको फिक्स करेंगे। इसके ऊपर हमने ओरिंग बना दिया है जो पुराने टायर की ट्यूब से बनाया है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि आसानी से फिट हो जाए, और उसके बाद फिक्स करेंगे। फाइनली हमने यह फिक्स कर दिया है, और लगाते वक्त थोड़ा सा ऑयल लगाया था ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टाइट है। अभी मैं इसका टेस्ट करूँगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से ऑफ कर देता था तो अगर 4-5 घंटे भी गाड़ी पड़ी रहे तो सारा पेट्रोल लीक होके निकल जाता था। अभी देखेंगे क्या होता है, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।